प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला स्थित तपोवन विधानसभा परिसर में जिला कांगड़ा के 15 निर्वाचन क्षेत्रों के विधायकों एवं अधिकारियों के लिए ई निर्वाचन क्षेत्र प्रबंधन विषय पर प्रशिक्षण एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने की। इस एक दिवसीय कार्यशाला में जिला कांगड़ा के 8 विधायकों, जयसिंहपुर के विधायक रविंद्र दीमान, ज्वाली के विधायक अर्जुन सिंह, इंदौरा के विधायक अनीता दीमान, बैजनाथ के विधायक मुल्कराज प्रेमी, पालमपुर के विधायक आशीष बुटेल, देहरा के विधायक होशियार सिंह, नगरोटा के विधायक अरुण कुमार, पुलिस अधीक्षक विमुख रंजन, ADC राघव शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष के निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी धर्मेश शर्मा व जिला तथा उपमंडल स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला के उपरांत हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ई निर्वाचन क्षेत्र प्रबंधन विषय पर प्रशिक्षण एवं कार्यशाला के आयोजन का मुख्य उद्देश्य विधायकों, जनता, सरकार और अधिकारियों के परस्पर संवाद कायम करना है। उन्होंने कहा कि मोबाइल ऐप के माध्यम से विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का जायजा ले सकेंगे तथा कार्य में प्रगति लाने के लिए प्रयास करने में सक्षम होंगे। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से निर्वाचन क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों के प्रति जनता को भी अवगत करवाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ई निर्वाचन क्षेत्र प्रबंधन, ई कमेटी तथा ई डायरी विधायक ऐप पर विधानसभा के IT प्रकोष्ठ द्वारा कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ई निर्वाचन क्षेत्र प्रबंधन के माध्यम से अधिकारी भी क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों के संबंध में विधायक एवं जनता को सीधे रूप से अवगत करवा पाएंगे तथा कार्य में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए आग्रह भी कर सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने सभी अधिकारियों से इस प्रणाली के अधिक से अधिक उपयोग करने के निर्देश दिए हैं ताकि कार्य दक्षता के साथ साथ पारदर्शिता तथा आम जनता की शिकायतों का निपटारा भी सुगमता से किया जा सके। उन्होंने कहा कि ई विधान प्रणाली को लागू करने वाली हिमाचल प्रदेश विधानसभा देश की अग्रणी विधानसभा की श्रेणी में शामिल है। उन्होंने इस कार्यशाला में उपस्थित विभागाध्यक्षों को इसे आरंभ करने के निर्देश दिए ताकि विकास कार्यों को और अधिक गति मिल सके। उन्होंने कहा कि जल्द ही जिला कांगड़ा के सभी 15 निर्वाचन क्षेत्रों, जिला मंडी के 10 तथा शिमला के 8 निर्वाचन क्षेत्रों की ई निर्वाचन क्षेत्र प्रबंधन की समीक्षा भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला एवं संबंधित उपमंडल स्तर के विभागाध्यक्षों को यूजर ID और पासवर्ड भी आवंटित कर दिए गए हैं और इस संबंध में प्रशिक्षण एवं सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण भी दिया गया है। कार्यशाला में योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष तथा ज्वालामुखी के विधायक रमेश धवाला ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तकनीक के माध्यम से प्रदेश में विकास को जोड़ा गया है, जिसके सकारात्मक प्रभाव होंगे। उन्होंने इसका श्रेय विधानसभा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल को दिया है। पूर्व CPS राजेश धर्माणी स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय के प्रधानाचार्य से मिले और महाविद्यालय में अध्यापकों द्वारा की जा रही अनियमितताओं व मनमर्जी के बारे में चर्चा की गई। धर्माणी ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि अध्यापकों के द्वारा मनमाने तरीके से अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए छात्र छात्रों के मूल आंतरिक मूल्यांकन नंबर बढ़ाए गए। वहीं दूसरी तरफ ऐसे ही छात्रों के सहपाठियों की प्रार्थना तक स्वीकार नहीं की गई। क्या किसी नियम और कानून में ऐसा कोई प्रावधान है कि कुछ व्यक्तियों को ऐसी स्वैच्छिक शक्तियां दे रखी हैं कि वे मनमर्जी से कुछ छात्रों को जो किसी विशेष संगठन से जुड़े हुए हैं उनको लाभ देकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकें। उन्होंने कहा कि कई छात्र हमें मिले जो
थ्योरी में तो पास है लेकिन आंतरिक मूल्यांकन में उन्हें बहुत कम नंबर लगाए गए हैं ताकि जानबूझकर उन्हें फेल किया जा सके। वही ऐसे भी विधायक के चहेते छात्र हैं जो थ्योरी में तो फेल हैं लेकिन आंतरिक मूल्यांकन में अधिक नंबर लगाकर पास कर दिए गए हैं। वही दूसरी ओर बीएससी पास आउट एक छात्र से झूठा हल्फनामा लेकर राजनीति करवाने के उद्देश्य से बीए में दाखिला दे दिया गया, जबकि उसी के एक सहपाठी को जिसका नाम अंकित भाटिया है को दाखिला देने से मना कर दिया गया। दाखिला कमेटी के अध्यक्ष प्राध्यापक को ऐसा भेदभाव करने के लिए किसने विवश किया तथा प्रिंसिपल को इस बारे में भी अवगत करवाया गया कि कुछ प्राध्यापक अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए एनएसएस शिविरों में ले जाने के बहाने राजनीतिक कार्यक्रमों में लेकर जाते हैं, जो कि सरासर गलत है। इस संदर्भ में प्रिंसिपल को तुरंत कार्रवाई करने के बारे में अनुरोध किया गया ताकि समय रहते बच्चों के साथ न्याय हो सके। इस बारे में प्रिंसिपल ने आश्वासन दिया कि एक सप्ताह के भीतर सभी मुद्दों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि एक सप्ताह के भीतर इन मुद्दों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो कॉलेज के अंदर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की होगी।